हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे कॉरपोरेट एडमिशन के बारे में, जहां पे हम जानेंगे कैसे अप्लाई करना, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन और एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो चलेंगे दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। उससे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर आपका जो पीएटी का सेशन रहेगा 2022-23 रहेगा, डायरेक्ट एडमिशन होने वाला है। यानी यहाँ पर आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, आप सिर्फ इंटरव्यू देंगे और यहाँ पर आप सिलेक्ट हो सकते हैं। इंटरव्यू यहाँ पे हो सकता है आपका ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन यहाँ पे कंडक्ट कराया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे फेलोशिप मिलने वाली है। कोई एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पे नहीं करनी है, सिर्फ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और यहाँ पे आप पीएचडी कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन है आपका दोस्तों, न्यू दिल्ली में आपका इंस्टीट्यूट है और वहीं से आप यहाँ पे पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 30/11/2022 है, उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके अलावा हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी, सब्जेक्ट्स और इसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए। तो हम चलेंगे आपका नोटिफिकेशन देखेंगे, देन कैसे अप्लाई करना है वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन है जो 14 नवंबर 2022 को रिलीज़ किया गया है। अगर हम बात करें आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूट की, तो ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी न्यू दिल्ली की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो आपको ये सफदरगंज हॉस्पिटल कैंपस न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रोग्राम की, तो यहाँ पे आपको 2022-23 रहने वाला है। ये दोस्तों यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे आप देखेंगे तो आप यहाँ पे जो आपकी एरिया है रिसर्च की, यहाँ पे कैंसर बायोलॉजी एंड इन्फेक्शन डिजीज बायोलॉजी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ये आपके रिसर्च एरियाज हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल्स में जानकारी आप ऑफिशियल साइट पर विजिट करके ले सकते हैं, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट के एफिलेशन की, तो ये मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन यानी माहे मणिपाल कर्नाटका से एफिलेटेड है, जो कि यहाँ पे पीएचडी डिग्री इन लाइफ साइंस में आपको प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की गई, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंडिया का कोई भी सिटीजन एलिजिबल है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके परसेंटेज की, तो 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। कैटेगरी से आएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं उनके अनुसार आपको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आपने अपना जो मास्टर हो किया हो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, या फिर आपने MBBS, MD ये कुछ अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे आपके पास एक जो वैलिड JRF होना चाहिए, यानी आपके पास जूनियर रिसर्च फेलोशिप होनी चाहिए। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो आपकी हो, CSIR, UGC, ICMR, DVT, VINSC, DST इंस्पायर फेलोशिप, अगर इनमें से आपकी किसी भी एजेंसी के द्वारा अगर आपको यहाँ पे फेलोशिप प्रोवाइड की जा रही है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे गेट क्वालिफाई हैं या फिर यहाँ पे लेक्चरारशिप, UGC, नेट, DVT कैटेगरी सेकेंड JRF हैं, तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हो जाएंगे। ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एज लिमिट की बात करें, तो आपकी जो उम्र है वो 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कैटेगरी से आएंगे तो आपको यहाँ पे जो भी एज है वो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। रिजर्वेशन दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अनुसार रहने वाला है। कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ये लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। कैसे इसे अप्लाई करना है आगे हम आपको बता देंगे। 30 नवंबर 2022 से पहले यहाँ पे आप 5 PM से पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट कर दीजिएगा। इसके अलावा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपका जो बायोडाटा है, स्कैन कॉपी है, ये आपको एक सिंगल PDF में बना लेनी है और यहाँ पे जो भी मतलब एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर आपको भेजना रहेगा। बाकी यहाँ पे इनकम्प्लीट फॉर्म मत रखिएगा, वरना आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में सिर्फ आपका यहाँ पे एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है। यहाँ पे आपकी पहले तो एक शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, देन यहाँ पे आपका ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। जो आप इसके लेटेस्ट अपडेट हैं, इसके ऑफिशियल साइट से विजिट करके यहाँ पे आप अपना जो नाम है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट में आ गया है शॉर्ट लिस्टेड के बाद, तो आप यहाँ पे अपना इंटरव्यू दे पाएंगे। इसके यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो फेलोशिप के बारे में जानकारी दी गई है। तो अगर आप यहाँ पे CSIR, UGC, ICMR, DVT के कोई एजेंसी से JRF क्वालिफाई हैं, तो आपको यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग जो फेलोशिप है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए यहाँ पे बात करें अगर हॉस्टल की, तो यहाँ पे हॉस्टल में बताया गया कि वी डू नॉट प्रोवाइड एनी हॉस्टल फैसिलिटी, तो यहाँ पे आपको हॉस्टल नहीं मिलने वाला है। आपकी जो रहने की व्यवस्था है वो आपको यहाँ पे अलग से करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है 14 नवंबर 2022 को स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पे 30 नवंबर 2022 है। यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू और यहाँ पे जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, यहाँ पे बाद को ऑफिशियल साइट पे मेंशन की जाएगी, तो आप यहाँ पे ऑफिशियल साइट भी प्रॉपर विजिट करते रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू हो जाएगा, देन यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है डिक्लेयर कर दिया जाएगा और यहाँ पे आप सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके यहाँ पे लास्ट में पॉइंट्स बताया गया कि अगर आप वुमन कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पे भी आपको भी इंक्रेज किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए। तो ये आप यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन हो जाता है। बाकी हाँ, इसके ऑफिशियल साइट पर चलेंगे, कैसे अप्लाई करना है उसे भी हम देख लेंगे। तो अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, आप ऑफिशियल साइट का होम पेज और यहीं पे आप आएंगे, तो जो आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन और न्यूज़ में मेंशन किया गया एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम,
ये यहाँ पे बताया गया है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ से बताया गया कि एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट फॉर इनरोलमेंट इन अवर PhD प्रोग्राम 2022-23। तो यहाँ पे ये आपका नोटिफिकेशन है, इस पर आपको क्लिक करना है। लास्ट डेट फिर से यहाँ पे आपकी मेंशन हो जाती है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और अप्लाई करने के लिए यहीं पे दोस्तों आपको लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ओपन होगा और यहाँ से जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगे उनको आपको फिल कर देना है और यहाँ से अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है फाइनल सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर और ईमेल आईडी दी गई है, उन पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर अपना क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ पाएंगे। ये आपके यहाँ पे PhD एडमिशन नोटिफिकेशन है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो यहाँ पे आप जरूर आवेदन कीजिएगा। और इस PhD नोटिफिकेशन में आपके PhD से संबंधित सारे पॉइंट्स हो भी गए हैं, तो हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।